सारे बच्चे अभी भी इसी कश्मकश में है कि हम लोग किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट में हम अभी अच्छे हैं या किस सब्जेक्ट में हमारा वीक पॉइंट है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सोनम चौधरी फ्रॉम प्लूटस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम है जो कि अगस्त में है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी इसी कश्मकश में है कि हम लोग किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट में हम अभी अच्छे हैं या किस सब्जेक्ट में हमारा वीक पॉइंट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आने वाली हेजिटेशन को दूर करने के लिए मैं कुछ अपने व्यूज़ आपको देना चाहूँगी। देखो बेटा, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसमें खुद को जज करने के लिए कि अभी हम लोग किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ज़्यादा करें, मतलब किस सब्जेक्ट में ज़्यादा करें या फिर किस में कम करें, इन चीज़ों को आप कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, ज़्यादातर आपको अपने मॉक टेस्ट देने होंगे। ठीक है, इस बीच जैसा कि आपको पता है कि अभी जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है, तो आप अपने मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए एंड मॉक टेस्ट में देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा आ रहे हैं, किस में आप अच्छा काम कर रहे हैं और किस में आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इस समय उस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा कम टाइम दें, एंड जिसमें आपका वीक पॉइंट है, जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दें। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना टाइम बना लीजिए कि जिसमें आप बेहतर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम टाइम दे करके चलें और जिसमें आप थोड़े से लूज़ हैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके चलें। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रॉपर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे और हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप अच्छे से अपनी कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी ही बेस को अच्छा बनाकर चलिए। ठीक है, तो मेरी यही हेल्पफुल आपके लिए एक व्यू है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे डटे रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ऑल द बेस्ट, आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।